हिंदी सिनेमा में हॉरर फिल्मों को अलग ढंग से पेश करने वाले निर्माता तुलसी राम सेन ने अपनी फिल्मों के जरिए डर के साथ हल्के फुल्के अंदाज में रोमांस भी परोसा, जो दर्शकों को खूब पसंद आया। 70 और 80 के दशक में रामसे ब्रदर्स ने कई हॉरर फिल्मों का निर्माण किया था। रामसे ब्रदर्स ने 30 साल पहले 1988 में हॉरर मूवी वीराना बनाई थी। इस फिल्म से एक्ट्रेस जैस्मिन फेमस हो गई थी। फिल्म वीराना की लीड एक्ट्रेस जैस्मिन भले ही बॉलीवुड से गायब हो गई हों, लेकिन लोगों के जहन में वे आज भी कायम हैं। जैस्मिन ऐसी भूत थी जिनसे लोग डरे कम और उनके लिए पागल ज्यादा हो गए। रामसे ब्रदर्स की हीरोइन जितनी खूबसूरत थी, लोग उसे देखकर उतनी ज्यादा आहें भरते थे। और रामसे ब्रदर्स जब तक भूतनी को बाथटब में नहलवा ना दें और पतली सफेद नाइटी में डांस ना करा दें, तब तक शायद उनकी फिल्म ही पूरी नहीं होती थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कौन थी जैस्मिन और अभी कहाँ है वो और क्या कर रही हैं। आज इस वीडियो में हम आपको उनके बारे में कई बातें बताने वाले हैं जो शायद आज कोई नहीं जानता। मगर दोस्तों, उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को दबाकर ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट करें। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको जैस्मिन के बारे में। प्रोड्यूसर डायरेक्टर एनडी कोठारी ने 1979 में आई मूवी सरकारी मेहमान में जैस्मिन को इंट्रोड्यूस किया था। इस मूवी में विनोद खन्ना और अजमत खान भी थे। म्यूजिक रविंदर जैन ने दिया था। कोठारी ने इसके बाद मूवी 1984 में डाइवोर्स बनाई थी। इसमें वीरेंद्र घाटके, शर्मिला टैगोर और गिरीश कराड़ ने काम किया था। इसमें भी जैस्मिन का रोल था। हालांकि जैस्मिन 1988 में हॉरर मूवी वीराना से ही फेमस हुई थी। इस मूवी के लिए रामसे ब्रदर बतौर लीड एक्ट्रेस अलग चेहरा चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने महज दो मूवी में एक्टिंग का एक्सपीरियंस रखने वाली जैस्मिन को कास्ट किया था। वीराना के रिलीज होने पर क्या हुआ, लेकिन जैस्मिन ने वीराना के बाद कोई भी फिल्म क्यों नहीं की। फिल्म तो दूर, उन्हें कहीं देखा भी नहीं गया, तो आज कहाँ है वो। लोग इंटरनेट पर उनके बारे में काफी कुछ सर्च करते रहते हैं। कोई उनका असली नाम जानना चाहता है तो कोई उनका ठिकाना, लेकिन इंडस्ट्री में किसी को उनके बारे में पक्के तौर पर कुछ भी नहीं पता था। इसके बारे में दो तीन थ्योरी सामने आई, लेकिन कोई भी उनकी पुष्टि करने वाला नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी फिल्म वीराना रिलीज होने के बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड से कॉल आने लगी। तमाम माफिया और डॉन उनके साथ हम बिस्तर होना चाहते थे। जैस्मिन ने इससे परेशान होकर देश ही छोड़ दिया और इसी वजह से उन्होंने आगे किसी मूवी में काम ही नहीं किया। वीराना ही उनकी आखिरी फिल्म थी और आज तक वह अमेरिका में रह रही है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अमेरिका के ही किसी नागरिक से शादी कर ली है। कुछ लोग कहते हैं कि जैस्मिन अब इस दुनिया में नहीं है। अपने आखिरी वक्त उन्होंने गुमनामी में बिताए। वहीं कुछ लोग कहते हैं कि शादी करके जॉर्डन में बस गई हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शायद जैस्मिन अब जिंदा ही ना हो। 1979 में बॉलीवुड में ब्रेक मिलने से पहले जैस्मिन क्या करती थी और कहाँ रहती थी, इस बारे में भी पुख्ता जानकारी नहीं है। कहा जाता है कि उनका पूरा नाम जैस्मिन भाटिया है। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें जैस्मिन धुन्ना भी बताया गया है। आपको बता दें कि उस वक्त फिल्म वीराना काफी हिट हुई थी। उस वक्त की यह काफी डरावनी फिल्म रही। फिल्म में जैस्मिन डबल रोल में थी। उन्होंने आत्मा और नॉर्मल लड़की दोनों का किरदार निभाया। मगर जो भी हो, जैस्मिन आज सभी के दिलों पे राज करती हैं। तो दोस्तों, क्या आपके दिल पे भी जैस्मिन राज करती हैं? कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।